दोस्तों बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे बीच हरजिंदर सिंह जी नहीं रहे, और ये मेरे से दोस्तों अभी हफ्ते पहले आपने ये वीडियो देखी होगी, और हफ्ते पहले ही मेरे से काम करवाए गए हैं और इनकी सड़क दुर्घटना में ये मतलब एक्सपायर हो गए हैं। बहुत मतलब आज मन नहीं था दोस्तों वीडियो डालने के लिए, और लेकिन आपसे मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। चलो आपका भी प्यार है। और ये दोस्तों दिक्कत किस चीज़ से हुई, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आग लग गई ना गाड़ी में, और आग लगने की सबसे बड़ी वजह जिस गाड़ी में दोस्तों ये गाड़ी जाकर लगी है, उस गाड़ी में CNG सिलेंडर लगे हुए थे, और लगने की वजह से वो गैस उसमें से लीक करने लगी। इंजन बहुत ज़्यादा गर्म था, और इंजन गर्म होने की वजह से दोस्तों आग लग गई गाड़ी में, और भाई हमारे बीच नहीं रहे, और आगे पूरी वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा दोस्तों। तो उस आग की वजह से ये भाई हमारे बीच में नहीं रहे, और भगवान इनको अपने चरणों में निवास बख्शे। चलो 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 आगे लेके बैग मार दियो, आगे ले ले, फिर करते हैं वेल्डिंग। ये जो वेल्ड करवा रखा ना, ये सादा वेल्ड हो रहा है इसमें, ये हमारे से पहले ही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं बता रहा अच्छे के साथ ही बताई थी ना। हाँ वेल्डिंग ये हो रहा सादा। तो ये टाटा की ट्रॉली है, और इसमें जो ये वेल्ड किया हुआ है चकली की प्लेट, ये सादा वेल्डिंग किया हुआ है, और सादा वेल्डिंग इस पर चलता नहीं है। तो पूरी वीडियो में फुल डिटेल मिलेगी आपको। और वैसे दोस्तों आज वीडियो डालने का मेरा मन नहीं था, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा हमारे जो मिलने वाले भाई थे, एक तरह से भाई कह लो हमारे, और दोस्तों वो एक्सपायर हो गए, इसलिए मन नहीं था वीडियो का। अच्छा रुड़की, हाँ ये देखो ट्रॉलों के अंदर है वेल्डिंग, सादा चलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलता। सफाई से भी नहीं, चलो सफाई की नहीं दिक्कत है, सफाई से तो चलो अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन ये सादा वेल्ड चलता नहीं है इसमें। तो ये देखिए दोस्तों चकली की प्लेट बिल्कुल क्रैक थी, और इसको करेंगे हम वेल्डिंग। दोस्तों पहले तो जो भाई के साथ हुआ वो भी आपके साथ थोड़ी सी बात और शेयर करूंगा, और इस गाड़ी के अंदर जो चकले पे वेल्ड हो रहा है और कैसा किया है और कैसा हमने करना है, तो पूरी वीडियो में बन रही है दोस्तों, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहेगी टाइम टू टाइम। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके, आई हो बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों इसको चकले को, ये तो इनकी किस्मत चल रही थी ड्राइवर साहब की, जो ये चकले का सिर्फ एक बिलांद वेल्डिंग था चारों तरफ से, ये आए तो थे एक साइड का वेल्डिंग करवाने, और इसका चारों तरफ से चकला क्रैक था। और दोस्तों ये इतना तो एक साइड हमने वेल्ड कर दिया, लेकिन जब यहाँ से हम पीछे जाने लगे ये भी वेल्डिंग करेंगे, और ये देखिए दोस्तों अंदर से सारा क्रैक है पीछे की तरफ से, और जब साइड देखा तो वहाँ से भी, और दोस्तों आगे से भी पूरा क्रैक है। तो बताओ, मैंने इनको ड्राइवर साहब को कहा, मैंने कहा आपकी किस्मत चल रही थी, नहीं तो ट्राली आपकी रह जाती पीछे और घोड़ा आपका जाता आगे, तो ये भी एक दुर्घटना हो सकती थी बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि दोस्तों लोड गाड़ी चलती है, सिर्फ ये चकले की प्लेट के ऊपर पूरी गाड़ी का मतलब लोड टिका रहता है, अगर ये टूट जाए तो ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो घोड़ा जाएगा आगे और ट्राली रह जाएगी पीछे, और एक्सीडेंट का खतरे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसको तो कर रहे हैं वेल्डिंग, और इसको करेंगे मजबूत, मिग वेल्ड हो रहा है क्योंकि सादा वेल्ड इस पर दो बार करवा चुके हैं, सादा वेल्ड चलेगा नहीं। और ये देखिए सारा अंदर से ये क्रैक हुआ हुआ है दोस्तों, ये पीछे की साइड से भी, और इसको भी ब्रश मार के अच्छी तरह मिट्टी उतार के उसके बाद प्रॉपर इसको तगड़ा करके बढ़िया करके वेल्ड किया जाएगा। तो दोस्तों इसको अब मैं करूँगा मिला के वेल्डिंग, क्योंकि वो अंदर जो आपने कल वीडियो देखी थी घोड़े का काम हो रहा है, क्योंकि एक दिन में तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो दोस्तों आज वैसे मेरा मन नहीं था डालने का, चलो आपका प्यार भी बहुत ज़रूरी है, और आपकी भी मतलब आपसे चीज़ें मैंने शेयर की, आप भी अपनी एक फैमिली हो क्योंकि, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। तो दोस्तों वो उसकी थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ, जो वो गाड़ी मतलब अभी हफ्ते पहले वो वीडियो आपने मेरी देखी होगी, जो आप भाई हमें इतना प्यार करते हो, क्योंकि उसमें चक्के ग्रीस कर रहे थे हमने दोस्तों, फूवा का एक्सल था वो, और 20 तारीख की वीडियो डली हुई है 20 जून की। तो दोस्तों मतलब बताओ, मेरे से अच्छी तरह बातें भी करके गया भाई मेरे साथ, तो 20 साल पुराने दोस्तों हम, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग करी थी 3-4 साल ही हुए थे उस टाइम, ये भाई मतलब ड्राइवरी स्टार्टिंग करी थी, तो जब से मैं भाई को जानता हूँ, तो मतलब एकदम जब मुझे परसों रात पता लगा, क्योंकि 2 तारीख में इनका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब गाड़ी दोस्तों कराकर गई, और 2-3 दिन खड़े रहने के बाद गाड़ी अभी लोड करके चीनी भरी हुई थी उस गाड़ी के अंदर,
और दोस्तों चीनी तो भरी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो मेन ड्राइवर था, जो भाई अपना एक्सपायर हुआ है, ये सो रहे थे और सेकंड ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मैं आपको पूरी डिटेल से जल्दी जल्दी बता देता हूँ। और इधर ये चकला तो मैं वेल्ड कर ही रहा हूँ। तो मेन ड्राइवर जो हमारा भाई जो एक्सपायर हुआ वो सो रहे थे, सेकंड ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। भाई की झपकी लगी, क्या हुआ, उनके आगे कैंटर चल रहा था और छोटी गाड़ी, 6 चक्की गाड़ी थी, उसके अंदर सीमेंट की चादरें लोड कर रखी थी। वो गाड़ी आगे अपनी स्पीड पे चल रही थी, ये अपनी स्पीड पे जा रहे थे। और जैसे ही उनकी भाई की झपकी लगी, अब वो रेस पर पैर आ गया या क्या हुआ ये तो ऊपर वाला ही जानता है। और वो रेस पे पैर देते, गाड़ी स्पीड के साथ जाके उसकी सीमेंट में वाली गाड़ी जिसने लोड कर रखी थी उस गाड़ी में जाकर एकदम गाड़ी लगी। तो वो क्या हुआ, उसके अंदर दोस्तों सीएनजी गैस के सिलेंडर लगे हुए थे बैक साइड में। हमने बहुत सा आजकल देखे हैं कि ट्रकों के अंदर सीएनजी गैस लगे हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। ये दोस्तों देखो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है, ये खतरा ही है। मुझे तो खैर ये चीज़ पसंद नहीं है। अगर दो पैसे फालतू लगते हैं, डीजल वाली गाड़ियाँ चलाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की है, मैं तो इसको मतलब ख़तरनाक ही बताऊँगा। बाकी आपकी क्या राय है आप भी मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों जब वो गाड़ी लगी ना, उसमें आपने फोटोएं भी देखी हैं वीडियो की स्टार्टिंग में, तो उसका पीछे का निप्पल जो सिलेंडर में लगे होते हैं वो टूट गया और गाड़ी इतनी बुरी तरह से मतलब उसमें लगी। तो वो भाई तो सो रहा था, अब देखो ये तो ऊपर वाले को ही पता है, सोते सोते कोई चीज़ लग गई, पूरी बॉडी उनकी वहीं पर थी। और ड्राइवर जो गाड़ी मतलब जिसकी झपकी लगी वो कूद के बाहर निकला, उसके भी चोट आई है, लेकिन वो भाई अपना बच गया। चलो अच्छी बात है, वो तो बच गया। देखो दोस्तों लोहा तो छित पीट के सही हो जाएगा, लेकिन जिनके घर से गया है, जिनका माँ बाप चला गया या जिनका बच्चों का बाप गया है, जिसका घरवाला या जिसका भाई, तो देखो उनसे पूछ के देखो कितना बड़ा लॉस हुआ है। तो ठीक है, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 39-40 साल की उम्र थी, मतलब बच्चे भी अभी छोटे थे। तो देखो कहीं ना कहीं दुख की बात है बहुत ज़्यादा। देखो गाड़ियाँ तो एक्सीडेंट होती हैं, कोई बात नहीं, चलो ये तो एक ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जो जान का नुकसान है ना दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है, वो कोई भरपाई नहीं कर सकता बंदा ना, वो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है। लेकिन देखो कोई टाइम था, आ गया वो भाई के आगे, लेकिन वो भाई मतलब गाड़ी में आग लग गई सिर्फ सीएनजी की सिलेंडर फटने की वजह से। अगर सीएनजी ना होती, सिर्फ डीजल वाली गाड़ी होती तो भाई बच जाता, कोई लात पैर टूट जाता। तो आप बताना दोस्तों मुझे कमेंट करके कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, क्योंकि अगर सीएनजी ना होती, नॉर्मल गाड़ी होती तो दोस्तों आराम से वो चाहे ठुक जाती, बंदे का एक्सीडेंट हो जाता, बंदे का हाथ पैर टूट जाता है। देखो वो तो ऊपर वाले को ही पता है, हम तो गैस ही कर सकते हैं, लेकिन ये जो आग लगी है ना, आग ना लगती, आग लगने से वो बंदे का दम घुट गया अंदर ही बंदा, वो बस मैं आपको बता नहीं सकता। जो मैंने उनकी वीडियो वगैरह जो जिनकी गाड़ी थी उनके फ़ोन में देखी, तो बड़ा दिल एकदम दहल गया देखने के बाद, मतलब मैं फ़ोटो शेयर भी नहीं कर सकता वो ना उनकी वो वीडियो। चलो ऊपर वाला सबको सलामत रखे, लेकिन जिनका चला गया दोस्तों उनको भगवान बहुत ज़्यादा हिम्मत दे ये दुख सहन करने की। तो ठीक है दोस्तों, चलो ये तो भाई की बात रही। और इस गाड़ी में दोस्तों ये हम जो चकला वेल्ड कर रहे हैं, ये देखिए ये मिग वेल्ड कर रहे हैं हम, और इसको अच्छी तरह प्रॉपर मैंने अपने हाथ से ही, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा अपने हाथ में पता होता है अभी हम क्या वेल्ड कर रहे हैं। तो विपिन को थोड़ा सा अंदर काम के लिए भेजा है, मैंने कहा तू वो काम कर, इसको मैं निपटाता हूँ, क्योंकि फिर भी एक वेल्डिंग के काम पे थोड़ा सा ये रहता है कि मैंने अपने हाथ से किया तो गुड ही करा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे वो भी कर देता है, लेकिन मुझे अपने हाथ पे ज़्यादा विश्वास हो जाता है। तो इसको बस चारों तरफ से वेल्ड, ये आगे आगे का रह गया। और दोस्तों यही चीज़ थी आपको दिखानी, अभी मैंने जो कल वीडियो डाली थी वो इसके घोड़े के हमने चकला किया था, और भारत बैंक के घोड़े का हमने चकला किया था। दोस्तों ये जो ट्रॉली है ये टाटा की ट्रॉली है और कंपनी फिटेड ट्रॉली है दोस्तों, लेकिन पता नहीं अब ड्राइवर जो इस पे पहले चलता था कैसी उनकी चलाई थी। इनके जो पैर लगते हैं ना ऑटोमेटिक, मतलब लीवर घुमाते रहो और पैर अपने आप, जैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जो आपको पैर दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट थे, बहुत लेट नीचे आ रहे थे। और देख लो चकले की प्लेट इनकी टूटी पड़ी है। मेरे ख्याल से जो पहले ड्राइवर चल रहा था वो इसे ओवरलोड चलाता होगा, अब पता नहीं ओवरलोड चल रहे हैं अंडरलोड चल रहे हैं। मेरे ख्याल से 60-70 टन के हिसाब से इस गाड़ी में अब भी भरा जाता है, क्योंकि मैंने शायद पूछा था ड्राइवर साहब से, मेरे दिमाग में से निकल गई वो भरते तो ओवरलोड, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा ख़राब काम ओवरलोड में ही होता है, चाहे चकले की प्लेट है या पैर है, कुछ भी लगा लो आप, ओवरलोड तो गाड़ी को मतलब ख़त्म ही कर देता है बहुत जल्दी। और आप अंडरलोड चलाओगे तो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, सामान भी सही रहेगा। चलो वो तो अपना अपना मेथड है सबका,
कोई अंडरलोड चलाता है, कोई ओवरलोड चलाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। ये चारों तरफ से प्लेट तुम्हारी ना वेल्ड कर दी तसल्ली के साथ। ये तो शुगर मनाओ कहीं गाड़ी गिर नहीं गई, नहीं तो दिख। हाँ अरे इतना सही वेल्ड बज रहा था बस ये साइडों का, और नहीं तो ट्राली कहीं जाती और तुम कहीं जाते। सारा वेल्ड कर दिया। ये ट्रॉली भी साथ की है, है? मतलब ये एक साल में इतना कुछ कैसे खराब हो गया? ये समय से भारी है, नहीं होता तो चलाएगी ऊपर ही है। ये तो बात है, ओवरलोड से दिक्कत हो ही है। चल चल जान दे जान दे, उठ गई। ये जुगाड़ तो वैसे बहुत बढ़िया रहा, अगर सही रहा तो साड़ी वहीं उड़ जा, जैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओरिजिनल चीज का तो मजा ही अलग है। चलो चलो जान दे, मैं बता दूंगा जब उड़ जाएगी। चलो चलो चलो, चलो बस। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। इधर ड्राइवर साहब की किस्मत चल रही थी, किस्मत हाँ नहीं धोखा कभी भी दे सके थी। ये प्लेट चकलेगी, सारा क्रैक था, मुश्किल से एक बिलांद सारा मिला के एक बिलांद मुश्किल ही लग रहा था, बस किस्मत थी किस्मत।